Hello and welcome back. I'm Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रॉप के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिससे चश्मे का नंबर 66% तक रोका जा सकता है। फर्ज के तौर पे अगर किसी बच्चे का नंबर 5 पहुंचना था तो इस ड्रॉप के इस्तेमाल से उस नंबर को 2 या 2.5 पर ही रोका जा सकता है। और इस मैजिकल ड्रॉप का नाम है एट्रोपीन 0.01%। देखिए क्या हुआ, एक बहुत बड़ी स्टडी हुई जिसमें 6 से 16 साल के बच्चों को इंक्लूड करा गया जिनके चश्मे का नंबर चढ़ रहा था, और ऐसे बच्चों की आंख में एक आंख में डाली एट्रोपीन ड्रॉप और दूसरे आंख में डाली पानी की ड्रॉप या प्लेसिबो ड्रॉप, और इन बच्चों को स्टडी करा गया लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए इन बच्चों को स्टडी करा गया। और इस स्टडी के एंड में यह पता चला कि जिस आंख में एट्रोपीन ड्रॉप डाली थी उस आंख का नंबर दूसरी आंख के कंपैरिजन में 66% तक कम बढ़ा। जैसे दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक आंख का नंबर 5 पहुंचा जिसमें ड्रॉप नहीं डाली थी तो दूसरे आंख का नंबर 2.5 पे ही रुक गया। और ये स्टडी इंडिया में ही नहीं हुई, ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई, और पूरे वर्ल्ड में ये पता चला कि एट्रोपीन 0.01% के इस्तेमाल से चश्मे का नंबर काफी हद तक रोका जा सकता है। और इस दवाई को फिर मार्केट में लॉन्च करा और आजकल हम रोज ये ड्रॉप प्रिस्क्राइब करते हैं और बच्चों के चश्मे का नंबर बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन इस ड्रॉप को यूज करने से पहले आपको अपने आई डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ड्रॉप के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे नजर का धुंधला होना, आंखों में लाली आना, लाइट से चौंध लगना। तो जब तक आपके आंखों का डॉक्टर इस दवाई को प्रिस्क्राइब ना करे तब तक आप इसको यूज ना करें। सिर्फ मेरी वीडियो देख के आपको यूज करना नहीं शुरू करना, हमेशा अपने आई डॉक्टर की कंसल्टेशन में ही इन दवाइयों को यूज करना चाहिए। इसमें हमें यह समझना है कि एक और तरह की एट्रोपीन मार्केट में अवेलेबल है जो है 1% एट्रोपीन ड्रॉप्स। इस ड्रॉप को आपको नहीं यूज करना। हम लोग बात कर रहे हैं 0.01% जो मार्केट में माई एट्रो या एट्रोपिट के नाम से आती है, इस ड्रॉप से मायोपिया कंट्रोल होता है। अगर ये वाली ड्रॉप डाल ली तो आपका बच्चा 20-30 दिन के लिए नजर उसकी धुंधली हो जाएगी, आंख में चौंध लगेगी, आंख में लाली आएगी और बहुत परेशान होगा। साथ ही साथ इस स्टडी में और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिली। इसमें ऐसा मिला कि हालांकि एट्रोपीन ड्रॉप से चश्मे का नंबर रुकता तो है, लेकिन इस ड्रॉप का असर ज्यादा उन बच्चों में आता है जो आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर बाहर जाके बच्चे खेल कूद रहे हैं, धूप में खेल रहे हैं, तो इस ड्रॉप का असर और अच्छा आता है। और वहीं अगर बच्चे नज़दीक का काम ज़्यादा कर रहे हैं, मोबाइल कंप्यूटर पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, या बच्चों के पेरेंट्स की आंख में चश्मे का नंबर है, तो इस दवाई का असर कम आता है। हालांकि चश्मे का नंबर रोकने के लिए और भी कई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया है कि चश्मे का नंबर रोकने के लिए हम लोग ऑर्थो के लेंसेज का यूज़ करते हैं, मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं, बायफोकल ग्लासेस का यूज़ करते हैं, लेकिन इन सब के कंपैरिजन में एट्रोपीन का जो इफ़ेक्ट है वो सबसे ज़्यादा अच्छा और कारगर माना गया है। तो इस वीडियो को समराइज करते हुए, एट्रोपीन 0.01% जो ड्रॉप है एक मैजिकल ड्रॉप है, इससे चश्मे का नंबर 60% तक बढ़ने से रोका जा सकता है। बहुत ही कंफर्टेबल ड्रॉप है, ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके इस ड्रॉप को यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, जिन बच्चों की उम्र 18-16 साल से कम है उनके लिए इन ड्रॉप को यूज़ किया जाता है और चश्मे का नंबर बढ़ने से रोका जा सकता है। अगेन, आपके मन में इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट्स हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।